वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंस। ठीक है, तो छोटे छोटे वीडियो में ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं खींचेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मेन मेन चीज़ें ही हम पढ़ाएंगे। तो टेंस जो होता है इसे काल कहते हैं हिंदी में। जो टेंस होता है वो इंग्लिश ग्रामर में किसी एक्शन माने किसी क्रिया को होने को बताता है कि वो क्रिया जो है उसका होने का समय क्या है। तो जो टेंस होता है वो वर्ब की फॉर्म होती है और वर्ब की फॉर्म से टेंस बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो प्रेजेंट टेंस बनता है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होगी तो वो पास्ट बनता है या पास्ट परफेक्ट। तो वर्ब में चेंज करने से वो मतलब वर्ब क्या होता है, एक एक्शन वर्ड होता है, तो एक्शन वर्ड में चेंज करने से टेंस चेंज होता है। ठीक है, यानी टेंस क्या होता है, वर्ब की फॉर्म होती है। तो वर्ब की फॉर्म जिसमें टाइम एक्सप्रेस होता है कि वो एक्शन किस समय हुआ है, ठीक है, तो उसे टेंस कहते हैं। तो टेंस को तीन भागों में बांटा गया है, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। फिर जो पास्ट टेंस होता है इसको कहते हैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इनके फिर चार चार पार्ट होते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस प्रकार से चार चार टेंस हो गए पास्ट के अंदर भी। ऐसे ही प्रेजेंट के अंदर भी चार प्रकार के टेंस होते हैं। तो प्रेजेंट में भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे फ्यूचर में भी चार बनेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये जो टेंस बनते हैं ये वर्ब की फॉर्म में चेंज होने से बनते हैं। वर्ब की फॉर्म तो चेंज होता ही है, साथ में कुछ हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनमें चेंज करने से टेंस बनता है। तो एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो पहला शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको इसकी पहचान याद करनी है। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए रूल्स लगेगा आपका कि जैसे सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के पास लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ये तब लगाना है जब आपका ना सब्जेक्ट प्लूरल हो। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी प्लूरल होती है। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन माने गए हैं, आई वी यू दे, इन प्रोनाउन को प्लूरल माना गया है। ठीक है, तो या फिर कोई प्लूरल में से बॉयज लिखा हो तो ये प्लूरल होते हैं। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है बेस फॉर्म होती है और वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है। ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो याद रखना है। और अगर मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो थी वो प्लूरल थी, तो इसमें हम एस या ईएस जोड़ देंगे तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाएगी और फिर हम अदर वर्ड ऑब्जेक्ट डाल देंगे या अदर वर्ड डाल देंगे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन प्रोनाउन आते हैं, तो ही आता है, सी आता है, इट आता है, नेम आता है। ठीक है, ही सी इट नेम, और कोई भी सिंगुलर चीजें आती हैं जैसे बॉय, ठीक है, गर्ल, ये सब सिंगुलर होते हैं। इनमें एस या ईएस जोड़ने पर ये प्लूरल बन जाता है। ठीक है, ये जो बॉय होता है ये नाउन होता है। ठीक है, तो नाउन जो होता है उसमें एस या ईएस जोड़ने पर वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। ठीक है, लेकिन जो वर्ब होता है उसमें उल्टा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होती है। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईएस जोड़ देते हैं तो ये बन जाती है आपकी सिंगुलर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। अब मान लो मैं लिख दिया कि मैं ईश्वर की पूजा करता हूं, तो आई आई माने मैं, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जिसके विषय में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मैं यानी हम खुद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आई आएगा। अब मैं ईश्वर की पूजा करता हूँ, पूजा करता हूँ एक वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है क्योंकि आई को प्लूरल माना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वर्ब है पूजा करना, पूजा करने का इंग्लिश होता है वर्शिप, तो आई वर्शिप यानी मैं पूजा करता हूँ किसकी, तो ईश्वर की, तो ईश्वर की इंग्लिश हो जाएगा सिर्फ गॉड,
ये जो की होता है इसकी कोई इंग्लिश नहीं होती है, ठीक है। ऐसी ने को के का ये सब की बहुत ही कम इंग्लिश होती है, नहीं होती है, ठीक है। तो बन गया आई वर्शिप गॉड। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट होता कि वह ईश्वर की पूजा करता है तो बनता ही वर्शिप। तो अब देखो ही क्या हो, सिंगुलर, ये सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब को सिंगुलर बनाना होगा, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे ये जोड़ना होगा, तो हम पी है आखिरी में एस जोड़ देंगे, तो ही वर्शिप्स गॉड, यानी वह भगवान की पूजा करता है आ जाएगा, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्लूरल लगाना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर बनाना है, उसके लिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेस फॉर्म में एस आई एस जोड़ना होता है, ठीक है। अगर मान लो हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसका फॉर्मेट होगा कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ऐसे बनाना है। अब यहाँ से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस सी आई एस नहीं देख लगाना है, ठीक है। अच्छा, डू और जो डज होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये डू और डज कब आएगा, तो डू आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट कौन थे, आई वी यू दे, और डज आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं ही शी इट नेम, ठीक है, बॉय, ये सब आपके सिंगुलर होते हैं और यहाँ बॉयज प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट होने पे आपको डू लगाना है और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पे आपको डज लगाना है, ठीक है। अब जैसे नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, वह गेहूं पीसता है, ठीक है, वह गेहूं पीसता है, सॉरी, तो बनेगा ही, ठीक है। तो पीसने का क्या हो जाएगा, तो ग्रेन्स, तो ही ग्रेन्स वीट, वीट माने गेहूं, तो वह क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो वह गेहूं पीसता है। अगर इसी में होता कि वह गेहूं नहीं पीसता है तो इसका बन जाता ही, और ही के साथ क्या लगता, तो ही के साथ डज, तो बनता ही डज नॉट ग्रिंड वीट, यानी वो गेहूं नहीं पीसता है, तो ही डज नॉट ग्रिंड वीट। तो ये आपका ऐसे नेगेटिव बनाना है, ठीक है। अच्छा, मान लो मुझे ये बनाना है कि वह, ठीक है, वह सच नहीं बोलता है, तो हम बनाते ही, अब नहीं आ गया तो ही के साथ आएगा डज नॉट टेल अ लाई। ये जो डज नॉट होता है इसको मिलाकर डजेंट भी लिखते हैं, ठीक है, थीके? तो डजेंट ऐसे लिखते हैं, ठीक है, थीके? तो ही डजेंट टेल अ लाई ऐसे। अब मान लो मुझे क्वेश्चन बनाना है, तो क्या वह सच बोलता है, क्या वह सच बोलता है, तो यहाँ पे ही के साथ डज आया है तो ये डज आगे आ जाएगा, तो डज ही टेल द ट्रूथ, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो क्या वह सच बोलता है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, डू या डज, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा और आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका इंट्रोगेटिव बनेगा, ठीक है, यानी ये यस नो क्वेश्चन था। अब ऐसी मान लो हमें बनाना है, जैसे वह सच क्यों बोलता है, वह सच क्यों बोलता है, तो अब क्यों आ रहा है बीच में, बीच में पर्सन आ रहा है कि वह क्यों सच बोलता है या सच कब बोलता है, सच कैसे बोलता है, तो पहले जो डब्ल्यू एच वर्ड होंगे ये आगे आएंगे, तो वाई, अभी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो डज जाएगा, तो वाई डज ही टेल द ट्रूथ और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जब पर्सन जो है डब्ल्यू एच क्वेश्चन से शुरू होगा तो पहले तो डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा डू या डज, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा और अदर वर्ड में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये जो डब्ल्यू एच वर्ड शुरू हुए हैं ये डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव होते हैं, और ये जो डू या डज से शुरू हुए हैं ये यस नो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले भी आपको याद करना है, जब क्या से कोई सेंटेंस शुरू होगा तो पहले आएगा डू या डज, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर वो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा,
और फिर ये सारा सेम रहेगा, यानी डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ऐसे बनेगा। ठीक है,